कल खत्म हुआ और भले ही इलेक्शन कमीशन ये दावा करती है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की टीम भेजी जाती है, पुलिस के स्क्वाड्स तैयार किए जाते हैं, ये सब होने के बावजूद भी पैसे का नंगा नाच जिस तरीके से आपने वहाँ पर मुंबई में एक 5-स्टार होटल के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरीके से किया जा रहा था, उस वक्त मैंने कि महज एक शहर के अंदर अगर आप ये दिखा रहे हैं तो हर शहर में जहाँ जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टी एकनाथ शिंदे साहब के उम्मीदवार खड़े थे, वहाँ पर पैसों का कैसा नंगा नाच किया गया था, चुनाव के वक्त आरोप लगाना ये बहुत आसान होता है, लेकिन हम आज आपके बीच में जो आए हैं वो विद एविडेंस के साथ आए हैं और हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन, यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर, जो सवाल हम आपको एविडेंस के साथ दिखा रहे हैं उसके ऊपर क्या सफाई देने वाले हैं, या हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से आदेश आया था कि खुलेआम भी अगर पैसा बट रहा है, खुलेआम भी अगर धांधलियां हो रही है तो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। शिवसेना के एक उम्मीदवार पैसा बांट रहे थे, कुछ लाख पैसा जमा हुआ, लेकिन हकीकत में उद्धव ठाकरे शिवसेना ने सही कहा है कि पैसा अमाउंट ज्यादा था, कम दिखाया गया है, इसके भी जवाब जो है उन्होंने देना चाहिए। मेरे विरोध में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अतुल सावे साहब थे और मैं पिछले 3 दिन से लगातार ये बता रहा था कि रात रात भर गरीब बस्तियों में जाकर और ख़ास तौर से गरीब मुसलमान बस्तियों में जाकर कुछ एजेंट छोड़े गए थे, उनके पास इंक थी और उनको ये टारगेट दिया गया था कि आपने जितने भी गरीब बस्तियां हैं वहां के घरों में जाकर इलेक्शन कार्ड जमा करें, आधार कार्ड जमा करें और उस पर उंगली पे स्याही लगाकर उनसे ये कहा जाए कि हम आपको ये 2,000 रुपये दे रहे हैं, ये 3,000 रुपये दे रहे हैं, 1,000 रुपया दे रहे हैं, अब आपने इलेक्शन के लिए आना नहीं है। कल कई जगह के ऊपर खुलेआम पैसा बांटा जा रहा था, खुलेआम ये वीडियोस आपको बताएंगे, कई जगह के ऊपर कैसा बूथ कैप्चरिंग की जाती है, वो बूथ कैप्चरिंग के लिए जब हम वहां पर गए तो वहां पर उल्टा पुलिस वालों ने मेरे ऊपर है तो आज FIR रजिस्टर कराए हैं, जबकि पूरा एविडेंस आपके पास है, हम पूरा एविडेंस दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से खास तौर से कल के दिन जो खेल खेला गया दोपहर में 3 बजे के बाद दलित बस्तियों में जिस तरीके का पैसा पहुंचाया गया, मुसलमानों के 3 उम्मीदवार को कल 3 बजे पैसा पहुंचाया गया अतुल सावे के, और वो तीनों को ये कहा गया कि आपको करना कुछ नहीं है, वोटिंग किसको हो रही है, सिर्फ जाके आपने मोहल्लों के अंदर हंगामा करना, नारेगांव में झगड़ा किया गया,
खैसर कॉलोनी के अंदर जाकर हंगामा किया गया। 3 बजे इनके पास पैसा आया था कि मतलब सिर्फ आपको हंगामा करवाना है लड़कों को लेकर। अब मैं आपको एक एक वीडियोस में बता रहा हूं, वो वीडियोस आप गौर से देखें और उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब हमने ये वीडियोस पूरे के पूरे वीडियोस पेन ड्राइव में हमने निवडणूक निर्णय अधिकारी औरंगाबाद पूर्व मतदार संघ इनको भेजा है, जिलाधिकारी तथा जिला निवडणूक अधिकारी इनको दिया है, पुलिस आयुक्त इनको दिया है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन CEO इनको भेजा है, के लक्ष्मी कोरा मैडम। लक्ष्मी कोरा मैडम ये कौन है? तो निवडणूक निरीक्षक जो गवर्नमेंट के तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती है उनको हमने ये दिया है। मुख्य निवडणूक आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनके पास हमने भेजा है और 2 लोगों को हमने दिए हैं, जिनका इनवर्ड आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे। अब मैं आपको बताता हूं एक एक वीडियो करके, और ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर आने के बावजूद भी ये पुलिस की जिम्मेदारी है, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना नहीं चाहिए अगर आप क्लियर फियर एंड फेयर इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। हमारा उसके ऊपर फौरन FIR रजिस्टर होना चाहिए था। इससे ज्यादा और क्या कि मतलब कोई आदमी है तो ओपनली है तो नोटों के बंडल लेकर 500-500 रुपये पूरी महिलाओं को बांटने का काम कर रहा है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। अब ये जो भरतनगर की जो घटना हुई है उसके खिलाफ आज पुलिस स्टेशन पुंडलिक नगर छत्रपति संभाजी नगर CR नंबर 483/2024 माझा विरोधात FIR रजिस्टर करण्यात आलेली आहे। जे कलम लावण्यात आलेले आहे ते आहे, आणि फरियादी कोण आहे? आनंद ज्ञानोबा बनसोडे, पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस ठाणे पुंडलिक नगर। आरोपीचे नाव इम्तियाज जलील व इतर 10 ते 12। गुन्ह्याची थोडक्यात हकीकत, सदरील वेळी व ठिकाणी फिर्यादी स्टॉप पंडित नेहरू कॉलेज येथील Sector No. 3 येथे क्रमांक 2 च्या समोर इम्तियाज जलील व त्यांच्या सोबत 10 ते 12 लोकांची गैरकायद्याची मंडळी जमा करून येऊन येथे उपस्थित असलेल्या 6 ते 7 लोकांना बोगस मतदान होत आहे असे आरोप करून दमदाटी करून व गोंधळ घालून हाता चापटाने मारहाण केली व त्यांच्या सोबत 10 ते 12 इसमांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल असून पुढील तपास PSI विनोद भालेराव साहेब करीत आहे। मला एक प्रश्न पोलिसांना हे विचारायचा आहे की माझ्या विरोधात केली ना, मी कॅन्डिडेट आहे, मी काय जालिंदर शेंडगेचा ऑप्शन करायला गेलो होतो का? उसकी आरती उतारने के लिए गया था, ये मेरा काम था। ये इलेक्शन कमीशन और पुलिस अगर वहां पर मौजूद थी, और जब मैं उनको साफ तरीके से बता रहा हूं कि ये बोगस, तो FIR भी बोगस रजिस्टर किया गया है। 6 से 7 लोग बोगस करने के लिए नहीं आए थे, वहां पे कम से कम 60 लोग पूरे बोगस। अंबेडकर नगर में 5:55 पे आप अंबेडकर नगर का CCTV देखिए, दिन भर जितनी बड़ी लाइन नहीं थी, शाम में बस में भरकर वालुच के जो इंडस्ट्री के कर्मचारी है वो महिलाओं को बस में लाकर वहां पर छोड़ा गया। मैंने फौरन आरओ उनको फोन किया, पुलिस के स्क्वाड को वहां पर भेजा। अब हमारी अनुरोध है पुलिस से, इलेक्शन कमीशन से, कि ये पूरे के पूरे जितने वीडियोस है इसके ऊपर जवाब दे,
और हमको ये पता है कि ये जो 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 भी हमने एविडेंस के साथ, मैं अगर बोला होता कि अतुल साहब पैसा फेंक रहा है करके, हमारी जानकारी के हिसाब से महज दलित बस्तियों के अंदर, दलित बस्तियों के अंदर जिसमें ये आपके सोनामने और जालिंदर शेंडगे, इनको दोपहर में 4 बजे 2 करोड़ रुपया दिया गया था कि किसी भी हालत के अंदर, किसी भी हालत के अंदर दलितों का मतदान 1002, 2002, 3002, लेकिन पूरा का पूरा मतदान यहाँ पे करना चाहिए। अब हमारा इलेक्शन कमीशन से यही अनुरोध है, नतीजा जो कुछ जानते हुए भी अंधे बनकर, आंख बंद करके आप दूध पीने का काम कर रहे थे। अगर आपके कुछ सवाल है कि शाम में 5:10 पे भारतीय जनता पार्टी का एक दलित लीडर है जालिंदर शेंडगे, जालिंदर शेंडगे ने बहुत सारे लोगों को जो वहां के रहने वाले कोई नहीं, अचानक झुंड का झुंड उसने लेके आया वहां पे, तो वहीं के हमें लोगों ने फोन करके बताया, वहां के रहने वाले लोग, और एक बात बता दूं, किसी मुस्लिम आदमी ने मुझे फोन करके नहीं बताया, वहीं के नॉन मुस्लिम लोगों ने मुझे फोन करके कि साहब ये जितने भी लोग ये जालिंदर शेंडगे ने लेके आया है ये हमारे एरिया के नहीं है, ये बोगस करवाने के लिए लेकर आए। अब ये जैसी जानकारी मिली हम वहां पर पहुंचे, और वहां पर पहुंचने के बाद जालिंदर शेंडगे खुद अंदर खड़ा हुआ था और बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। जैसे ही हम लोग वहां पर गए, मैं खुद गया, मैं एज अ कैंडिडेट मैं कहीं पर भी जा सकता हूं, वहां पे जाते ही बहुत सारे लोगों ने बताया कि साहब ये जितने भी लोग अभी लाया है इसने जालिंदर शेंडगे ने, ये हमारे एरिया के नहीं है, ये पूरे बोगस करवाने के लिए लेके आया। मैं एक पोलिंग बूथ के अंदर एंटर हुआ, एंटर होते ही मुझे वहां पर शिवसेना का जो बंदा था या कांग्रेस का था होगा एजेंट, हमारा भी एक एजेंट बैठा था, दोनों ने मुझे बताया ये महिला के पास कुछ भी नहीं है, ये डायरेक्टली अंदर गई और अंदर जाके नो वोट डाल रहे थे उसी वक्त गई, मेरे साथ कुछ लोग थे, चीखना चिल्लाना जब शुरू हुआ, पुलिस वाले वहां पर देखी तो वो बगैर वोट डाल के है तो बाहर निकल रही थी, बिल्कुल वोटिंग उसके ऊपर थी। और वहां पर एक कांस्टेबल थी जो उसको इशारों में बोली कि निकल जाओ करके, वो मेरे सामने से जब जाने लगी तो मैंने हाथ रखा और मैंने कांस्टेबल को बोला यह महिला का तुम्हें धरून ठेवा तिला कशाला तुम्हें जाऊ देता आहे करके। वो महिला कांस्टेबल मुझसे बहस करना शुरू कर दी। इस जालिंदर शेंडगे के साथ जो लोग आए वो लोग वहां पे उन्होंने देख लिए कि ये महिला फंस रही है, तो उन्होंने आके बहस करना शुरू कर दिया, नहीं तीचा करते आई कार्ड नहीं हमें मागवलेला आहे, आई कार्ड मागवलेला आहे, सब वीडियो के अंदर है, तिच्याकडे काय आई कार्ड नहीं ते आम्ही मागवत आहे ते येणार आहे ऐकून, मगर आई कार्ड नहीं है तो आप अंदर गए कैसा, पोलिंग बूथ के अंदर गए कैसा। तो ये वीडियो आप देखिएगा, वहां पर जालिंदर शेंडगे खुद मौजूद था, सीसीटीवी फुटेज निकाल के अगर देखेंगे कि कितने लोगों को लाया था, एक एक सीसीटीवी को आप तराशेंगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से एरिया में रहने वाला बंदा वहां पर है, सब एविडेंस है आपके पास। चलाइए मेरे पास भी एक अमानुल्ला मोती वाला बूथ के ऊपर हुआ है, एकदम 6-3 कम थे जब 200 लोग आ गए पूरे शताब्दी लेवल से, मेरी बहुत बहस हुई तो पुलिस वालों ने मेरे को बाहर कर दिया कि एसीपी साहब देख रहे हैं डीसीपी देख रहे हैं। एक मिनट होल्ड करिए, होल्ड करिए, देखिए आप सुनिए, थोड़ा सा रिमाइंड करिएगा, मैं जब पुलिस वाले को बता रहा था, चलाइए। जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिए, चलाइए।
धक्का बुक्की शुरू की, उनके लोगों ने धक्का बुक्की करना शुरू किए। ये लाल शर्ट में जो लड़का है वो बोल रहा, नहीं आई कार्ड आ रहा है, अभी आई कार्ड आ रहा है, आप रुको। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जालिंदर शांडगे के साथ जितने गुंडे आए थे वो पूरों ने है तो धक्का बुक्की करके एक एक को बाहर खींचना शुरू किया। ये कह रहे थे कि आई कार्ड, मैंने उनके साथ राजेंद्र शेंडगे के साथ जितने भी लोग आए उनको मैंने ये कहा कि मैं यहाँ पर रुकता हूँ, तुम ये महिला का आई कार्ड है तो मंगाओ। लेकिन उनको मालूम था कि बोगस है, तो वहाँ पर नारे लगा के धक्का बुक्की करने का काम कर दिए। और वहाँ पे दूर खड़े रह के राजेंद्र शेंडगे ने शुरुआत में जो बच्चे वहाँ पर थे तो एक मौलाना को धक्का दिया, खूब मस्ती आली करे लाडो। इस तरह का अगर पूरा सीसीटीवी अगर उनका निकाला जाए तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर क्या है करके। आगे बढ़ाइए, ये नीले शर्ट में जो है ये जालिंदर शेंडगे, ये सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात कर रहा हूँ। एक एक उदाहरण है तो नासिर सिद्दीकी साहब से पूछिएगा कि अचानक 6:45 बूथ के ऊपर 200 लोग कहाँ से पलट के आ रहे हैं, कौन लेकर आ रहा है, बताइए आपका एक एग्जांपल। अमानुल्लाह मोतीवाला जो कटकड़ गेट के ऊपर एक बूथ है वहाँ पर 6:05 या 6:04 बाकी थे, कुछ मुस्लिम महिलाएं भी वहाँ खड़ी थी लेकिन उनको पीआई साहब ने रोक दिया बाहर और ये सारे लोगों को अंदर लिया। हमारे लड़कों ने बहुत उनसे बहस की तो कहने लगे कि नहीं नहीं आप लोग 6 बजे बाद आए, वो 6 बजे के अंदर आए। मैं अंदर गया तो मुझे कम से कम 10 मिनट गेट के ऊपर रोके, मतलब मेरा राइट है क्योंकि मैं कैंडिडेट हूँ और मुझे जाकर देखना है कि क्या चल रहा है अंदर। अंदर गया तो इधर से 100 लेडीज़ इधर से 100 जेंट्स एक साथ एकदम 2 या 3 मिनट पहले या 6 बजे के अंदर वो लोग दाखिल हुए अंदर। जब मैंने देखा वो ऑफिसर जो दिन भर एक एक लेडीज़ को ऐसा देख रहा, सोच रहा, लिख रहा और इतना टाइम पास कर रहा था तो अचानक उसके अंदर इतनी फुर्ती आ गई थी कि ऐसा ले रहा, देख रहा, ऐसा कट कर रहा, आगे भेज रहा था। तो मतलब उसने ऐसा टारगेट लिया था कि मैं 10 मिनट में 200 वोट करवा दूंगा। कई जगह मैंने ऐसा देखा कि उन्हें सिर्फ BLO की चिट्ठी लेकर आया और इन्हें ऐसा ताक में था कि भाई BLO की चिट्ठी पे उसको वोट करवा दूँ, तो मैंने उसको रोका वहाँ पर। मेरा बाप की जागीर नहीं है, हर जो वोट जो है आपको यहाँ ID प्रूफ, जब तक प्रूफ नहीं होता जब तक आप आगे भेजते कैसा। तो एक ना मेरे तरफ देखने लगा, मैंने वहाँ बहुत बहस किया उससे कि मैं कैंडिडेट हूँ, तुम लोग हराने के लिए है क्या, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए। उतने में 2 पुलिस वाले PI साहब आए, उन्होंने कहा कि CC कैमरे के अंदर से तो कलेक्टर साहब देख रहे हैं, ACP साहब देख रहे हैं, DCP साहब देख रहे हैं और आपको रूम से बाहर जाने के लिए कहा। मतलब मैं उम्मीदवार हूँ, जो बोगस वोट आए आप उसको बाहर नहीं कर रहे, आप मेरे को कर रहे हैं। तो कल पुलिस का रवैया दिन भर जो था हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ, लिटरली ACP साहब ने लाता मार के हमारे टेबल्स को गिराए, कुर्सियां फेंकी। एक तरफ दूसरी पार्टी का एक टेबल लगा हुआ था जहाँ 3 से 4 कुर्सियां लगी थी, वहां पर उन्होंने, मैं खामोशी से गया, उन्होंने मेरे को देखे नहीं थे, जाकर बोलने लगे कौन सी पार्टी से बैठे, तो बोले ऐसा था ठीक है, बोले बाजू मेरा टेबल लगा हुआ था, वहाँ 2 बच्चे बैठे थे, 3 कुर्सियाँ रखी हुई थी,
समझा दे रहा, बोले दो से अलावा तीसरी कुर्सी यहाँ दिखना नहीं। तो मैं बोला वाह साहब क्या इंसाफ है आपका, बाजू में चार कुर्सियाँ चार लोग बैठे और जहाँ पर पतंग निशान आपने सुनते ही वहाँ पे जो तो उनका बड़ा अधिकारी भी पीछे से भागते हुए क्या हुआ क्या हुआ। तो बोले ये ऐसा पार्सनैलिटी चल रही है। तो पुलिस डिपार्टमेंट ने दिन भर जो है तो कहीं ना कहीं जो तो यहाँ AMC के सामने भी जब प्रदीप जायसवाल साहब का लड़का आया वो टाइम में उन्होंने वहाँ से लोगों को हका लिया, अंदर से सीटें मार के लोगों को डराया जा रहा था। तो कल का इलेक्शन जो है तो बहुत मैं समझता हूँ कि एक तरफा पुलिस का रवैया था और मोतीवाला नगर के अंदर मेरे को ज़बरदस्ती जो है तो बाहर भिजाया गया। और वो जो वोटर्स थे उनके पास क्या डॉक्यूमेंट थे क्या नहीं, तो मैंने फिर मेरा पोलिंग एजेंट जो था उसको बोला, मेरे सामने मैंने कम से कम 5 लोगों को जो ज़बरदस्ती वोट डालने आए थे सिर्फ एक BLO की चीट लेकर आ गए थे। एक लेडीज़ को मैंने पकड़ा, उसकी ना सूरत मिल रही थी ना शक्ल मिल रही थी, बाहर हार उन्होंने ये बोला कि आपको रूम से बाहर जाना पड़ेगा। ACP साहब देख रहे वहाँ से, CP साहब देख रहे, कलेक्टर साहब देख रहे हैं, आपको रूम से बाहर जाना पड़ेगा तो हमको ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कल दिन भर चली है। कम्युनल अपन कसा पोलराइज करता येईल हे की नाही, अरे मी उमेदवार होतो मला अधिकार आहे, नासेर सिद्दीकीला अधिकार आहे, त्या PI ज्यांनी थांबवलेले आहे नासेर सिद्दीकीला। मी तुम्हाला सांगतो की जो पर्यंत इलेक्शन सुरू आहे 6 ऑफिशियल टाइम आहे, पण 6 नंतर ही इलेक्शन सुरू आहे तर कॅन्डिडेटला अधिकार आहे की आज जाण्याचा, कोणत्या अधिकाऱ्याने तुम्ही हे याला हे थांबवले। आणि जसा हे लोक करत होते तर आमचेही काही लोक 3 नंतर त्यांनाही किती पैसे देण्यात आले होते इलेक्शन डिस्टर्ब करायला, हेही याच्यावर खूप इच्छा होती। मला महिलांना मारण्याची इच्छा नाही होती, मी इतका नाही आहे, नामर्द नाही आहे मी की महिलांवर मी काही करणार, पण तुमचे जे कार्यकर्ता जे होते ना गुंड होता, मला इच्छा होती की त्यांचा थोबाडा फोडायचा, पण मला निवडणूक लढायची होती। तर अतुल सावे माझ्यासोबत बसा, तुम्ही माझ्यासोबत आपण दोघं बसू आणि जॉईंट प्रेस कॉन्फरन्स घेऊ, याचं उत्तर तुम्ही द्या। ते वेगळी गोष्ट आहे ना, मी काय आरोप करतो त्याच्या बाबतीत बोला ना तुम्ही। इतके घाबरलेले होते, इतका पैसा कुठून आला अतुल सावे साहेब? आदर्शच्या ठेवीदारांचे जमिनी तुम्ही विकत घेतलेली आहे तुमच्या PA मार्फत, तेच पैसे तुम्ही परत लोकांना देत आहे ना, हे पैसे आले कुठे? हे जे वाटणारे लोक आहे जालिंदर शेंडगे आपल्या दलित समाजाला कशा विकून आपला स्वतःच्या बंगलो कशा उभा करत आहे, हे जे सोनवणे आहे, विचार करा तुम्ही की जे माणूस असे 500 रुपये त्यांनी आपल्या खिशात किती मिळाले असेल त्याला? हे संविधानाचे रक्षक आहेत, हे डॉक्टर बाबासाहेबांना मानणारे लोक आहेत। लोक जो है ये बीड से आके कितना पैसा मांग रही थी ये बैठने के लिए, मैं क्या पैसे हराम के पैसे दूंगा ऐसे लोगों को? मैं आपको इलेक्शन के दिन, आप उनके रिश्तेदार लग रहे हैं, आपको इलेक्शन के दिन पता चलेगा। सुनिए सुनिए, आपके जैसे पत्रकारों को भी मैं अच्छी तरीके से हैंडल करता हूँ, आप मुझे मालूम है आपको शकीला पठान को आपने वोट दिए अगर होंगे तो आपको 23 के दिन समझ में आएगा ये महिला कितने लाख लोग वोट लेती है या सिर्फ इसको हराने के लिए खड़ा किया गया था। और आप जैसे जो पत्रकार है ना साहब, मुझे मालूम है, मुझे सिखाइए मत, मेरा मुंह खोलने मत लगाइए, पैसा बांटने का काम किया जा रहा था। वो महिला जैसे ही उसने देखी तो